Almighty Allah be upon all of you. I hope that you are all well और अपने पढ़ाई में मशगूल होंगे. तो today's topic is faith in practice. This is your unit number 5. तो हम already faith पढ़ चुके हैं. ईमान क्या चीज़ होता है दीन इस्लाम में, इस चीज़ को हमने बहुत अच्छी तरह से जान लिया है और मान भी लिया है इंशाअल्लाह ताला. क्योंकि आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 2 जो है वो फेथ पर ही है. व्हाट डू यू मीन बाय फेथ एंड इट्स आर्टिकल्स. और फेथ के जो 6 आर्टिकल्स है वो हम पढ़ चुके हैं बड़े आराम से. वो उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ. तो नाउ इस यूनिट नंबर 6 में, सॉरी इस यूनिट नंबर 5 में जो है फेथ इन प्रैक्टिस जो है, अब जो है इसके कुछ वो प्रैक्टिकल जो है इम्प्लीकेशंस है इसके. तो इन दिस यूनिट योर फर्स्ट दिस क्वेश्चन इज इम्पैक्ट ऑफ फेथ अपॉन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. अब इस फेथ को पढ़ने के बाद, इस फेथ को जो इस्लामी दीन इस्लाम में जो है इसको जानने के बाद, इसका इम्पैक्ट जो है क्या हो सकता है एक इंसान के बिहेवियर पर. डेफिनेटली देयर इज नो सेकेंड दिस थॉट कि ये जो इस्लामिक फेथ जो है, जो ईमान है, इस ईमान से एक इंसान में जो है एक हम कह सकते हैं कि उसका जो है वो सारा जो विजन है, जो माइंड सेटअप होता है वो चेंज हो जाता है इससे. जब एक मुसलमान, जब एक इंसान ईमान को जानता है और फिर इस ईमान को मानता है दीन इस्लाम में. तो अब जो हमारे सामने जो ये क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ फेथ अपॉन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, तो इसको समझने के लिए मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ईमान का मतलब होता है दीन इस्लाम में, जिसको हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है. उन्होंने फरमाया ईमान जो होता है इस्लाम में, ईमान जो है वो इन 6 चीज़ों को जो है, ईमान लाना खुदा पे, ईमान लाना उसके फरिश्तों पर, ईमान लाना अल्लाह ताला की किताबों पर, ईमान लाना अल्लाह ताला के रसूलों पर, और ईमान लाना द डे ऑफ दिस रिजरेक्शन, लाइफ आफ्टर डेथ यानी आखिरत के दिन पर, और ईमान लाना तकदीर पर, तकदीर मानना कदर. तो ये 6 चीजें बन जाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ फेथ. जैसे आपने अपने बचपन में भी पढ़ा होगा ईमाने मुजम्मल, ईमाने मुफस्सल जो हम पढ़ते हैं, उनमें भी इन्हीं 6 चीजों का हम जिक्र करते हैं. तो अब जो ये 6 चीजें हैं, इन पे ईमान लाना, और दीन इस्लाम में ईमान जो होता है वो ईमान का जो, ईमान की जो डेफिनेशन है वो ये है कि हमें मानना है किसी चीज को या कुछ चीजों को जिनके बारे में हमारे सीने में, हमारे दिल में जर्रे बराबर भी कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. और उन चीजों के बारे में जो इंफॉर्मेशन, जो मतलूब है एक मुसलमान से, उसके खिलाफ अगर दुनिया में कोई भी किसी भी वक्त किसी भी तरीके से आपके सामने बले प्रूव ही कुछ करे, जो जाहिरी तौर पर आपको लगता होगा उस टाइम की प्रूव किया है उसने, उस इंसान ने आपके सामने, लेकिन आपको उस टाइम कहना है कि मैं ईमान ला चुका हूं और मैं मानने के लिए तैयार नहीं. तो बहरहाल अब ये 6 चीजें जो है, इन 6 चीजों पर ईमान रखना, 6 चीजों पर ईमान रखना उसी तरीके से जिस तरीके से इस्लाम में मतलूब है, और जर्रे बराबर के भी इंसान के दिल में शक नहीं होना चाहिए इस मामले में कि शायद मत मैं ये गलत कर रहा हूँ, या शायद मत मैं ये गलत जानकर इसको अपने दिल में रखता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. ईमान लाना है बिल्कुल और बिल्कुल. फिर दूसरी साइड अगर सारी दुनिया भी आ जाए तब भी हमें अपने इस चीज से मुकरना नहीं होगा. तो अब है सवाल हमारे लिए है, इन 6 चीजों को जो ईमान दीन इस्लाम में है, इनको पढ़ने के बाद, जानने के बाद और फिर एक्सेप्ट करने के बाद एक इंडिविजुअल पर, एक इंसान के बिहेवियर पर क्या असर होता है.
तो लेट्स टेक इट्स फर्स्ट वन, दैट इज जो है फेथ जो इन अल्लाह है, और वी कैन से बिलीफ इन ऑलमाइटी अल्लाह। तो इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पर मैं आपको ये कहूँ कि हमें रब्बुल आलमीन को मानना है, और जैसे कि दीन इस्लाम में हम इस चीज को वो कहते हैं तौहीद रुबूबिया, तौहीद अस्मा व सिफात, तौहीद इबादा, इन तीन चीजों को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान को मुकम्मल ईमान है रब करीम पर, रब को मानना है, रब को मानना है, उसके जितने सारे नाम है, उसके जितने सारे सिफात है, उन सिफातों को लेकर, उन नामों को लेकर रब्बुल आलमीन को मानना है, उसमें जर्रे बराबर भी कोई शक नहीं होनी चाहिए। और हमें रब को मानना है कि भाई जो तौहीदुल इबादत जो है कि हर किस्म की जो इबादत है वो सिर्फ और सिर्फ है फॉर द सेक ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह ताला के लिए हम जो भी कुछ करते हैं दुनिया में, कोई भी जो काम हम करते हैं, दैट इज फॉर द सेक ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। और ये इबादत इसका जो हक है वो सिर्फ है हजरत अल्लाह जल्ला शानहु का। हमें अपने सर को झुकाना होगा सिर्फ हजरत अल्लाह जल्ला शानहु के सामने। हमें मदद जो है मदद मांगना होगा, हमें जो है किसी भी किस्म की जो कोई भी चीज हमें जरूरत हो तो उसको मांगने के लिए हमें सिर्फ रब को मांगना होगा। तो इवन हमारा जो है हमें जो हमारी मोहब्बत है वो भी होनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। दुनिया के जितने सारे लोग हैं इनके साथ जो भी कोई हमारी डीलिंग है, अगर हमें दुनिया में लोग पसंद हो जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इस हद तक वो पसंद होते हैं जिस हद तक हमें रब करीम ने इजाजत दे दी है, उससे ज्यादा तजावुज करना अगर हम करेंगे तो वो फिर माना जाएगा कि आपने इबादत में, आप इबादत के जुमरे से बाहर आ गए हैं। कोई भी रिलेशनशिप दुनिया में हमें है, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, हमें अपने बच्चे हैं, जितने सारे दुनिया के लोग हैं, इनके साथ उसी हदूद में हमारे रिलेशनशिप है जिस हदूद में रब करीम ने फरमाया है। और इस सारी इस रिलेशनशिप में एक ईमान ये होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो है मैं जो मानता हूँ वो है हजरत अल्लाह जल्ला शानहु, और इसी की मैं इबादत करता हूँ, सबसे ज्यादा एहतराम जो मुझे है वो है हजरत अल्लाह जल्ला शानहु। अब जो ये फेथ जब हमें होगी तो इस इम्पैक्ट क्या होगा, ये एक्चुअली यहाँ पर पॉइंट है, इट्स इम्पैक्ट क्या होगा। हम ये कह सकते हैं दिस बिलीफ implants the love and glorification of Allah subhanahu wa ta'ala in an individual, and then a believer performs Allah's instructions and avoiding his prohibitions. These are the means of achieving ultimate happiness in this life and the hereafter for both the individual and the society. Yani jab hum ye sare jo belief jo hai belief in almighty Allah subhanahu wa ta'ala, इसको मानने के बाद एक इंसान में ये इम्प्लांट हो जाता है रब्बुल आलमीन का इज्जत एहतराम। इसे रब्बुल आलमीन के बारे में जो है रब का वो बड़ापन, उसका यकतापन, उस पे पूरा मुकम्मल इसको वो एतमाद हो जाता है, और इसके बाद ये अवॉइड करता है सारी चीजें जो रब्बुल आलमीन की तरफ से इसको अवॉइड करने को कहा जाता है। और यही चीज जो है, ये चीज एक इंसान में पैदा होने से इंसान दुनिया में अल्टीमेट हैप्पीनेस हासिल कर सकता है। अल्टीमेट हैप्पीनेस उसको यहाँ भी दुनिया में भी हासिल हो सकते हैं, और आखिरत भी उसके लिए बहुत ही अच्छी होगी, आखिरत भी रब्बुल आलमीन उसके लिए वो बेहतर बना देता है। और ये चीज जो है एक दोनों के लिए, चाहे ये इंसान जो है और जो सोसाइटी उसके सामने है उसमें भी, उसके लिए उनके लिए भी ये इंसान ठीक हो जाता है। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस जो है आर्टिकल ऑफ फेथ जो ये है। इसके बाद हम चले जाते हैं दूसरा पॉइंट जो है बिलीफ इन एंजल्स। हमारे दीन इस्लाम में जो है आमंत बिल्लाही व मलाइकती, इसका मतलब ये होता है जो रब्बुल आलमीन के जो फरिश्ते हैं उन पर हमें उसी तरीके से ईमान होना चाहिए जिस तरीके से रब्बुल आलमीन हमें कहता है कि फरिश्ते क्या है, फरिश्ते किस चीज से बने हुए हैं, फरिश्तों का क्या काम है इस दुनिया में, फरिश्ते क्या करते हैं, इस पे ईमान होना चाहिए। किरामन कातिबीन जो है रब्बुल आलमीन ने रखे हैं हमें लिखने के लिए, हम जो भी कुछ बोलते हैं करते हैं दुनिया में, और वो किरामन कातिबीन जो फरिश्ते होते हैं वो लिख डालते हैं कि ये इंसान जो है ये इसने क्या किया, किस वक्त इसने क्या किया। हमें इस चीज पर ईमान होना चाहिए, और हमें ईमान होना चाहिए कि रब्बी करीम के जो फरिश्ते हैं, जो एंजल्स हैं, उनसे एंजल्स से जो है दुनिया का जो निज़ाम जो है वो निज़ाम में वो उनसे वो चलाता है रब्बुल आलमीन। हालांकि रब के लिए फरिश्तों की कोई जरूरत नहीं है, मगर
जिस तरीके से इनके बारे में कहा गया है, हमें वो बात तो हमें उसी तरीके से एक्सेप्ट करनी है और माननी है। नाउ इस इन फरिश्तों पर ईमान रखने से एक मुसलमान इंडिविजुअल जो है उसके बिहेवियर क्या हो सकता है, तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर एप्रिशिएट्स द डिविनिटी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हिज माइट एंड हिज सोवरेनिटी। He thanks Allah subhanahu wa ta'ala because he, yani Allah subhanahu wa ta'ala, puts some of the angels in charge of his servants recording their deeds and other things that benefit them. It inspires love and admiration for the angels because of what they are doing, namely worshipping Allah subhanahu wa ta'ala in the best possible manner. यानी फरिश्तों पर ईमान के बाद एक इंसान को ये पूरी तरह से इस पर इस चीज़ पर वो एतमाद हो जाता है कि रब्बुल आलमीन की जो डिग्निटी है वो बहुत हाईएस्ट है, और रब जो है रब के पास जो इतने सारे जो है वो कायनात में जो मखलूक है और इन मखलूक को चलाने के लिए उसके पास एक बाजार था, एक निज़ाम है, और उस निज़ाम में इंसान का हर कोई चीज़ लिखा जाता है, जो उसकी कोई भी जो अमल होगी उसके बारे में रब्बुल आलमीन को पूरी तरह से वो इंफॉर्मेशन है, और रब्बुल आलमीन जो है वो है वही सब कुछ करने वाला है इस दुनिया में, उसके जैसा कोई और दूसरा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और इसे इस चीज़ पर भी यकीन और एतमाद हो जाता है कि इंसान के बगैर भी मखलूकात दुनिया में है जो हर वक्त हर आन और हर शान में रब्बी करीम की इबादत करते हैं और रब्बी करीम की तस्बीहात को बयान करते हैं। तो इसके बाद जो है पॉइंट नंबर थर्ड जो है वो है बिलीफ इन रिवील्ड बुक्स। हमें दीन इस्लाम में मतलब है कि हमें ईमान होना चाहिए जितने सारे भी रिवील्ड बुक्स है। मसलन हमारे पास कुरान करीम में लिखा है कि बुक्स ऑफ इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलाम, और हमें मूसा साहब की किताब तौरात, ज़बूर दाऊद नबीना सलाम की किताब इंजील, हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम की जो किताब है, और इसके बाद जो हमारी कुरान करीम किताब है ये भी डिवाइन बुक्स है। दीज आर ऑल डिवाइन बुक्स, और इन किताबों पर हमें ईमान होना चाहिए कि ये सारी किताबें जो है अल्लाह ताला की तरफ से ही ये किताबें, इन किताबों को वही किया गया था अपने अपने पैगम्बरों पर। और फिर लास्ट में हमें ये ईमान होना चाहिए कि आखिरी किताब कुरान करीम जो है नाजिल की गई है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इस किताब ने तमाम किताब जितने सारे तब तक रिवील्ड बुक्स या डिवाइन बुक्स जो नाजिल की गई थी रब्बुल आलमीन ने, वो सारे क्या वो मनसूख हो गए हैं। अब जो है दुनिया में जो किताब है कुरान करीम है, वही किताब जो है आखिरी किताब है, और वो किताब ही अब जो उसी से सारे फैसले होने चाहिए दुनिया में। और इसमें ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये किताब क्यों हमें मानना है कि यही किताब जो है फाइनल बुक है। उसके बहुत सारी चीज़ें मसलन मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो लैंग्वेज है वो ऑलरेडी इस टाइम इंटैक्ट है, और जो कुरान करीम जो है ये है इट इज प्रेजेंट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जितने सारे अदर डिवाइन ये रिवील्ड बुक्स है दोज बुक्स आर नॉट प्रेजेंट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, और उसमें जो है उन किताबों में कुरान करीम हमें कहते हैं उन किताबों में वो फैब्रिकेशन हुई है, उसमें इंसानों ने अपने अपने अपनी जो उनके इंटरेस्ट की बातें जो है वो उन्होंने उसमें मिक्स किए हैं। तो इस वक्त अब उस उन किताबों को कोई भी वो नहीं है जो उसमें उस पोजीशन में उनमें से देखे कि क्या है ठीक और क्या है गलत, लेकिन उनके मत मुकाबले में हमारे कुरान करीम जो है, कुरान करीम के बारे में रब्बुल आलमीन खुद कहता है कि हमने इस किताब को नाज़िल किया है और हम ही इसके जो है निगहबान हैं, हिफाजत करने वाले हैं। तो ये किताब जो है कयामत के दिन तक काबिल कबूल है, और कोई भी इसमें कोई चेंज कोई भी कुछ नहीं कर सकता है इसमें। तो अब इस चीज को मानने से क्या इम्पैक्ट हो सकता है एक मुसलमान में, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में? इट इज ऑन अकाउंट ऑफ दीज स्पेशल फीचर्स ऑफ द कुरान दैट ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन डायरेक्टेड टू हैव फेथ इन इट, टू गिव अप ऑल अदर बुक्स एंड टू फॉलो इट alone। यानी अब ये कुरान करीम है कि मैं भी बता चुका हूँ कुरान करीम जो इंटैक्ट है, तो इस ऐसी कुछ कौलिया। दूसरी बात यह है कि कुरान करीम जो है इसमें साइंटिफिकली ये 100% करेक्ट इसमें है वो जो इंफॉर्मेशन है,
कोई भी आज तक कोई भी दुनिया का कोई इंसान नहीं आया है ना आ सकता है जिसने कुरान को चैलेंज करके कहा कि इसमें कुछ गलत लिखा गया है। तो इसको इसकी जो खसूसियतें है, इस कुरान करीम के जो मिरेकल्स है उनको जानने के बाद ये अब ऐलान एक मुसलमान के दिल में ये ऐलान हो जाता है और वो चाहता भी है कि इस ऐलान को मैं करूं कि दुनिया में अब कोई भी किताब चलने वाली नहीं है। इंसानों को चाहिए कि वो कुरान पर ईमान लाने के बाद कुरान के जितने सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको माने। इसी तरीके से इससे इस फेथ को रखने के बाद यानी बिलीफ इन जो है डिवाइन बुक्स जो है इसको रखने के बाद एक बिहेवियर में एक तब्दीली आ जाती है कि इंसान में वो है द स्टडी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कुरान एंड अदर डिवाइन बुक्स मेक्स वन इजीली अंडरस्टैंड दैट द नेचर ऑफ फेथ इन द कुरान एंड ऑफ बिलीफ इन द फॉर्मर बुक्स आर नॉट सिमिलर। यानी कुरान को पढ़ने के बाद इन किताबों को जानने के बाद इंसान के बिहेवियर में ये बात समा जाती है कि कुरान पर ईमान रखना और जितने सारे बाकी किताबें हैं उन पर ईमान रखना कोई सेम चीज नहीं है। उन किताबों को हमें मानना है लेकिन ये भी साथ साथ में मानना है कि दोस बुक्स आर नॉट प्रेजेंट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। इसी तरह फेथ इन द अर्लियर डिवाइन बुक्स शुड बी लिमिटेड टू द कंफर्मेशन दैट दे वेर ऑल फ्रॉम अल्लाह सुबहानहू व तआला वर ट्रू एंड वर सेंट डाउन टू फुलफिल इन देयर टाइम द सेम पर्पस फॉर विच द कुरान हैज बीन सेंट। हमें ये हमारी बिहेवियर में ये चीज समा जाता है कि उन किताबों को किसी वक्त के लिए मुकर्रर किया गया था, किसी जगह के लिए मुकर्रर किया गया था और किसी खास कौम के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन जो कुरान करीम है ये हर वक्त के लिए है और हर एक इंसान के लिए ये कुरान करीम किताब है। इसके बाद जो चौथा है बिलीफ इन अल्लाह्स मैसेंजर्स, यानी एक इंसान को ईमान होना चाहिए दीन इस्लाम में रब्बुल आलमीन के सारे रसूलों पर, जितने सारे रसूल रब्बी करीम ने भेजे इंसानों की हिदायत के लिए उन पर हमें ईमान होना चाहिए। और उस ईमान में ये बात भी जरूरी है कि जो रसूल जो होते हैं जो पैगंबर होते हैं उनको कोई इंसान नहीं बनाता है दुनिया में, वो जो है ये बनाने का जो मसला है ये सिर्फ रब्बुल आलमीन के दस्ते कुदरत में था और रबी करीम ही वो पैगंबर उसको मबूस करता था और उनको उस टाइम भेजता था इंसानों के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि ये ईमान होना चाहिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भेजा गया तमाम कायनात के लिए रहमतन लिल आलमीन, अब वो सब के लिए पैगंबर है और पैगंबर जो है अपनी मर्जी से दुनिया में कुछ नहीं करता है और रब्बुल आलमीन की तरफ से वही उन पर हो जाती थी। तो इसके बाद उस वो जिस तरीके से उनको कहा जाता था कि आपको दुनिया में करना है, आपको इंसानों के साथ ऐसे वो उनको बोलना है, तो उसी हिसाब से उसमें जर्रे बराबर भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि पैगंबरों ने कुछ अपने से उस काम में कुछ किया। और इसी तरह आखिरी पैगंबर के बारे में ये ईमान होना चाहिए कि ये आखिरी पैगंबर है, इसके बाद कोई भी पैगंबर, कोई भी नबी, कोई भी रसूल नहीं आने वाला है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब इस ईमान से क्या हो जाता है, दिस बिलीफ मेक्स एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड दैट आउट ऑफ द इनफिनाइट मर्सी एंड लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही सेंट ह्यूमैनिटी प्रॉफिट्स गाइडिंग देम टू That which is the best। एक इंसान के दिल में ये उसके बिहेवियर में ये बात बैठनी चाहिए कि रब्बुल आलमीन ने वक्तन फवक्तन इंसानों के लिए पैगंबरों का इंतखाब किया और उन पैगंबरों ने उन इंसानों को हिदायत का जो रास्ता था उसकी तरफ उनको लाया और अल्लाह एक ही खुदा यानी अल्लाह ताला की इबादत के लिए उनको बुलाया और कहा कि कोई वो नहीं है माबूद सिवाय हजरत अल्लाह जल्ला शानहु। और ये उसको पूरा यकीन होना चाहिए कि हिदायत जो दुनिया में वो हुआ है तो इसके जो है जिम्मेदार थे पैगंबर करीम जो रब्बुल आलमीन ने जिनका इंतखाब किया वक्तन फवक्तन। और इसके बाद ये चीज भी हमारे दिल में इम्पैक्ट होता है इस चीज से ही सेंट देम एज एग्जाम्पल फॉर ह्यूमैनिटी टू फॉलो and if one does follow their example
they would live a life in accordance to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, earning His love, yani Almighty Allah's love and His pleasure. तो इसके बाद ये भी हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उन पैगंबरों को जो है मबूस फरमाया इंसानों के लिए, ताकि जो इंसान है वो फॉलो करे उनको, वो फॉलो करे हजरत अल्लाह जल्ला शानों को, वो अपनी जिंदगी उस तरीके से गुजारे जिस तरीके से रब्बुल आलमीन की चाहत हो होती थी, और वो उसके बाद पैगंबर उनके जो जो जितने सारे वो उनके वो तौर तरीके जो टीचिंग्स उन्होंने बता दिए उन पर चलने से ही एक इंसान को खुशी अता हो सकती है, एक इंसान को अपना वो मकसद जो है वो अता हो सकता है। इसके बाद जो है वो है पांचवा जो पॉइंट है इस आर्टिकल में, वो है बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। इंसान को आखिरत के दिन पर ईमान होना चाहिए कि जिस तरीके से मैं दुनिया में पैदा हो जाता हूँ, फिर बड़ा हो जाता हूँ, फिर उसके बाद बूढ़ा हो जाता हूँ, दुनिया से मैं जिसे हम कहते हैं मरना, मैं मर जाता हूँ, और उससे चढ़ते सूरज की तरह इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि अब जो है मुझे दोबारा रब्बुल आलमीन जिंदा करेगा और मुझे रब के सामने खड़ा होना है, और फिर मुझे क्या कहता है, मुझे अपने वो सवाल जवाब होंगे और उनका जवाब मुझे देना है। तो ये सारी कायनात जो है ये फना हो जाएगी एक दिन, और उसके बाद तमाम कायनात के लोगों को रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है, और हर एक चीज किसी ने कुछ नेकी की होगी, किसने कोई बुराई की होगी, सबका सवाल जवाब और सबका हिसाब किताब वहां पर होगा, और अजर मिलेगा रब्बुल आलमीन की तरफ से, पनिशमेंट मिलेगा रब्बुल आलमीन की तरफ से, अजर उनको मिलेगा जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे और जिन्होंने रब्बुल आलमीन से मुंह मोड़ा होगा, और उनके लिए जो सजा है उनको जो सजा है वो सजा उनको मिलनी होगी। इस चीज से भी एक इम्पैक्ट हो जाता है एक मुसलमान में। तो इससे क्या हो जाता है, बिलीविंग इन लाइफ आफ्टर डेथ इज सिग्निफिकेंट एंड इट्स इम्पैक्ट अपॉन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज इन सेवरल वेज ही और शी अंडरस्टैंड्स दैट। नंबर वन, इन इस्लाम डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, डेथ इज जस्ट अ ट्रांजिशन टू द सेकेंड लाइफ। एक इंसान को ये यकीन होना चाहिए, उसके बिहेवियर में ये बात आ जाती है कि मैं इस दुनिया में वक्ती तौर पर आया हूँ, मुझे असली जो ये जो अब जब जो मरने की जो हम बात करते हैं कि ये ट्रांजिशन है, मुझे इस फेज से दूसरे फेज में जाना होगा, इस पे इंसान को पूरा यकीन होना चाहिए कि जाना ही जाना है। दूसरा चीज जो इससे जो एक इम्पैक्ट हो जाता है, इन इस्लाम ह्यूमन लाइफ डज नॉट एंड, इट हैज टू फेजेस, a life before death and a life after death. एक इंसान में ये चीज इस चीज ये चीज पैदा हो जाती है ये चीज एक इंसान में कि वो समझता है कि इस जिंदगी के दो फेज है, एक फेज होता है लाइफ से पहले और एक फेज होता है फिर इस लाइफ के बाद, उसको ये भी उसके वो उसका उस पर इम्पैक्ट हो जाता है। He or she is more responsible for his or her deeds in the first life, because he or she will be rewarded for his or her good deeds and punished for his or her bad deeds in the other life. Usko ye yakeen hona chahiye ki jo bhi kuch kaam main yahan karta hu iska mujhe reward wahan par milega. Agar maine acche amal mere honge to mujhe acha reward milega, agar mere bure amal honge to फिर मेरे लिए वो जो पनिशमेंट जो रखी गई है वो मुझे वहां मिलने वाली है। यानी ये चीजें जब एक ये इम्पैक्ट जब एक मुसलमान के बिहेवियर पर होता है तो वो दुनिया में स्ट्रांग बन जाता है, दुनिया में वैसे ही वो काम करता है जैसे उसे रब करीम ने हुक्म किया है दीन इस्लाम में। और एक चीज जो इस फेज से जो हो जाता है, दिस बिलीफ मेक्स द होल थिंग लुक फेयर एंड जस्ट। One's honesty in this life may entail his poverty. Another person's dishonesty may entail his richness. If things end up this way, life looks so unreasonable and good behavior pays little. Fortunately, according to Islam, there is life after death where each person is rewarded or punished for his deeds in the first life. तो एक इंसान का
दुनिया में ये कि कोई अमीर है कोई गरीब है किसी को क्या होता है दुनिया में, लेकिन इस फेथ से एक इंसान को इस चीज की उम्मीद हो जाती है कि ये दुनिया में किसी का अमीर होना या गरीब होना इस पर एक उस इंसान की कामयाबी जो है वो इस पर मुनहसर नहीं होती है। असली जो है असल में जो है एक इंसान का जो है वो उसकी नीयत क्या होगी इन चीजों में, वो किस हिसाब से दुनिया को देखता है, वो किस हिसाब से दुनिया में काम करता है, तो उसका जो है उसका बदला जजा व सजा उसको उसी दिन वो मिलना होगा। और एक चीज जो इससे हो जाता है, दिस बिलीफ मेक्स ए पर्सन लाइफ वेल बैलेंस्ड। इन इस्लाम ए पर्सन मस्ट वर्क फॉर दिस लाइफ एज इफ ही लिव्स फॉर एवर एंड मस्ट वर्क फॉर द अदर लाइफ एज इफ ही डाइज टुमारो। दस life is made to have an aim that is obeying Allah subhanahu wa taala and worshiping him. yani is din aakhirat ke din par iman rakhne se ek hamari zindagi ka ek value ho jata hai aur hame lagta hai ki hame we are accountable somewhere. lagta hai kya hona chahiye ek insaan ko ki hum duniya mein yu hi nahi aaye hain, we are having some duty here, hame kuch karna hoga is duniya mein aur fir iska jo hai iska reward hame kahin na kahin हमें मिलेगा इंशाल्लाह ताला, और रब्बुल आलमीन के सामने हमें खड़ा होना है एक टाइम पर और हमें वहां पर अपने इन चीजों का जवाब देना होगा। तो इससे एक इंसान की जो है जिंदगी वो जो है उसका उसमें मजा आ जाता है और एक इंसान की जिंदगी जो वो बैलेंस हो जाती है। इसको ये नहीं रहता है कि अगर मुझे इस दुनिया में दौलत नहीं मिली, मुझे कोई चीज यहाँ नहीं मिला, तो इसको ये पता कि एक टेम्पररी लाइफ है, यहाँ पर एक छोटा सा एक फेज है हमारी जिंदगी का यहाँ। तो इसलिए एक इंसान की जो जिंदगी है वो बैलेंस हो जाती है और उसे ये नहीं रहता है दिल में शायद मैं कहीं मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ दुनिया में, वो चीज़ इससे इसमें वो क्या कहते हैं उसको वो आ जाता है उसमें इस इंसान में। तो अब जो है लास्ट जो है आर्टिकल इसका जो है फेथ का जो लास्ट आर्टिकल इंसान में वो है बिलीफ इन अलकदर यानी प्रेडेस्टिनेशन, जो हमें तकदीर पे जो हमें ईमान होना चाहिए। हमें तकदीर पर यह ईमान होना चाहिए कि हमें कितना कितना वक्त गुजारना है इस दुनिया में, किस वक्त में कहां पर हमें क्या होगा वो भी अल्लाह ताला की तरफ से होगा। और इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो सब कुछ जो है ऑलरेडी मेंशन है रब्बुल आलमीन की किताब में और वो सब कुछ होता है रब्बुल आलमीन की इज्जत से, तकदीर जिसे हम कहते हैं। और जब ये चीज जब तकदीर की बात हमारे जहन में जब इस पर हमें ईमान होता है तो हमें इसका इम्पैक्ट भी हम पे हो जाता है। हमारा बिहेवियर जो है हमारे बिहेवियर में ये बात समा के रह जाती है। बिलीविंग इन प्रेडेस्टिनेशन हेल्प्स मैन टू अडॉप्ट टू लाइफ सिंस मैन इज नॉट होली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट हैपनेस। मैन हैज टू एडमिट दैट ही कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग एंड ही इज नॉट देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। एक इंसान में ये पैदा हो जाता है कि भाई मुझे तो अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी थिंग, मैं उस चीज तक रिस्पॉन्सिबल हूँ जो चीज जिस चीज की मुझे अल्लाह ताला ने वो क्या दे दी है वो समझ और फहम दे दी है। उसके बाद क्या होगा दुनिया में वो तो रब करीम के हाथ में है। इसको हम ऐसे कहते हैं कि ये सारी जंग दुनिया की जो मेरी नहीं है, मैं इस जंग का एक फर्द हूँ, मैं इस दुनिया में एक फर्द हूँ और मुझे उसी फर्द की हैसियत से काम करनी होगी दुनिया में और मुझे उतना ही पूछा जाएगा और रब्बुल आलमीन की तरफ से मुझे जो है वो सवाल जवाब मिले जो होगा वो उसी हद तक होगा। तो कुछ चीज इसलिए फाइनली मुझे दुनिया में जब मुझे ये सोचना होगा कि फाइनल कंट्रोल जो है वो है रब्बुल आलमीन के हाथ में, मेरे जुमरे में मेरे हाथ में क्या है मेहनत है और मेरे हाथ में उसकी तरफ वो कोशिश करनी होगी, बाकी जो है देने वाला और लेने वाला हजरत अल्लाह जल्ला शानो है। और एक चीज जो इससे हो जाता है, मैन हैज टू एक्सेप्ट हिज ओन लिमिटेशंस एंड एडमिट दैट ही इज सब्जेक्टेड टू फैक्टर्स एक्सटर्नल टू हिज विल। दिस बिलीफ पुट्स मैन इन हिज एक्चुअल साइज एंड पोजीशन एंड डज नॉट ओवरबर्डन हिम विद लोड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच ही कैन नॉट शोल्डर। इस चीज से जो है इंसान में ये पैदा हो जाता है कि कहीं उसकी जो एक हद है, यानी अगर इस ये तकदीर का मामला जो है इस पे ईमान रखने से एक मुसलमान के एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पर ये असर होता है कि वो अपने आप को खुदा बन के नहीं रखता है, कहीं ऐसा ना हो जाएगी कि वो उसको जो वो अपना उसमें जो रब्बुल आलमीन जो उसको पावर दे दिया है, रब्बुल आलमीन जो उसको जहानत अता की है
उसको समझने के बाद वो समझे कि शायद मैं ही खुदा हूं। नहीं, तकदीर एक ऐसी चीज है, इस चीज से एक इस इंसान में ये चीज पैदा हो जाता है कि वो खुदा नहीं है, खुदा जो है वो खुदा है हजरत अल्लाह जल्ला शानहु। और एक इंसान का एक लिमिटेड फ्रीडम है और उसी फ्रीडम में उसे काम करनी होगी इस दुनिया में। तो फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि इस ईमान से एक इंसान की जो है एक जिंदगी जो है वो एक क्या कहते हैं माना खैर जिंदगी बन जाती है, उससे उसे उसे जिंदगी में खुशियां अता हो जाती है और फाइनली वो कहता है कि मेरा एक पर्पस इस दुनिया में है और वो उसी पर्पस को लेकर इस दुनिया में कोशिश करता है कि वो पर्पस उसको हासिल हो जाए, इस दुनिया में रहकर उसे वो दुनिया हासिल हो जाए जो अबदी दुनिया है, जो हमेशा रहने वाली दुनिया है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें पढ़ने और पढ़ाने की जो है वो सलाहियत अता करे और हमें ईमान की दौलत से मालामाल करे। वह आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।